नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के कंजरापुर क्षेत्र के सेहदा स्थित श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज में छात्र को जमकर पीटने व धूप में खड़ा कराने के मामले में पुलिस ने प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि 20 दिन बाद विद्यालय आने से नाराज होकर दोनों ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना मंगलवार की है। कंजरापुर थाना क्षेत्र के करेनुआ गांव निवासी अखिलेश के मुताबिक उसका पुत्र अभिषेक 15 वर्षीय सेहदा स्थित श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र है। 20 दिन पहले उसकी आँख में समस्या आ गई, जिसके कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। उसका डॉक्टर के यहाँ इलाज कराया जा रहा था। आराम मिलने के बाद मंगलवार को वह स्कूल गया। इस दौरान प्रधानाचार्य कृष्णा यादव व उप प्रधानाचार्य अजीत यादव ने उससे स्कूल न आने का कारण पूछा। अभिषेक ने आँख में परेशानी होने से स्कूल न आने की बात कही, जिससे नाराज होकर दोनों जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे कमरे में ले गए और जमकर पीटा। का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला और पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है स्कूल पर? लड़के के फादर ने आके पुलिस को कंप्लेन करी थी। उन्होंने टीचर पे और प्रिंसिपल पे आरोप लगाए थे कि लड़के के साथ मारपीट की गई और 10 दिन से लड़का आ नहीं रहा था। इसके बाद जब वहाँ स्कूल पहुँचा है तो उन्होंने प्रिंसिपल और टीचर पर आरोप लगे, जिसपे मुकदमा अपराध संख्या 276/23, धारा 323, 5506 व SC/ST एक्ट इनके विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से जो भी सत्य पाया जाएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं 10 या 12 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अपने क्लास टीचर को फ़ोन करके मैं बताया था। फिर मैं कल स्कूल गया तो मेरा प्रिंसिपल मुझको देखा, मुझको बाहर निकाला और मुझको बोला कि तुम्हारी फ़ीस इतनी बाकी है और तुम अब्सेंट की हो। फिर मेरे पापा के कॉल किए, पापा कॉल नहीं उठाए। मम्मी का नंबर दिया, मम्मी कॉल उठाएं तो बताएं मेरे बच्चों को ऐसी दिक्कत थी इसलिए स्कूल नहीं गया, आपसे डेली जाएगा। फिर मुझको मम्मी को कॉल कर दिए, कट करके मुझसे कहें रजिस्टर लेके आओ, नीचे से मैं रजिस्टर लेके आया हूँ। फिर मुझको रजिस्टर दिया तो देख के मुझको पट पट मारने लगे। मैं बोला सर मार क्यों रहे हैं, दर्द हो रहा है, मत मारिए। तो बोले तुम मुझसे जवान तुम कह, उनका हाथ पकड़ लिया तो कह मेरा हाथ कैसे तुम पकड़ लिए, कह सर आप मार रहे हैं तो इसमें हाथ पकड़ लिया। तो मैं बोला सर कौन से स्कूल में ऐसा है कि बच्चों को मारते हैं, तो कह तुम जो कानून सिखा रहे हो। मैं बोला सर मुझे आपके स्कूल नहीं पढ़ना है, कहा जाओ भाग जाओ। मैं बैग लेके आया, वाइस प्रिंसिपल अजीत यादव प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कृष्णा यादव, ये दोनों लोग मुझको जहाँ पर कैमरे की नज़र नहीं थी वहाँ पर ले जाके मुझको लोग दोनों हाथ पकड़ के लातन मुक्कन मुझको मारे। वहाँ की दाई बच्चे मैम देखे, एक मैम थी ज्योति मैम 9th पे पढ़ाती थी, वो रोने लगी। और यही सब बात होकर फिर मुझको 9 बजे से 12 बजे तक मुझको खड़ा किए थे बाहर। मैं बोला घर पे कॉल करना है, मुझे घर जाना है, मुझको घर भी नहीं जाने दे रहे थे ना कॉल करने दे रहे थे। अब मुझको बोले हैं कि करेनुआ के हो ना तुम, अगर किसी को कंप्लेन किए और कुछ भी किए तो घर में घुस के मारूंगा। अब मुझसे ज़बरदस्ती एक अप्लीकेशन लिखवाए, मुझ पर कोई भी केस या मुझे कोई मारेगा तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। मुझे ज़बरदस्ती लिखवाया गया, मैं इसलिए वो लिखा। वो लोग दोनों मुझको धमका रहे थे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाजत, नमस्कार।